महापुरुष की जिसने अपना संपूर्ण जीवन सत्य के मार्ग पर चलकर बिताया। लेकिन मुसीबतों के समय एक समय ऐसा भी आया जब नदी किनारे खेलते हुए उनके बेटे राहुल को सांप ने डस लिया। आइए देखते हैं राजा हरिश्चंद्र की अग्नि परीक्षा। देवी, जब तक तुम मुझे कर नहीं दोगी, मैं इस चिता में आग लगाने नहीं दूंगा। पर महाराज, ये आपका पुत्र है। तो क्या हुआ, मेरा धर्म है कर लेना। चंद्र डरे सूरज डरे, डरे जगत व्यवहार, पर हरिश्चंद्र को डरे न सत्य विचार, डरे न सत्य विचार। तो ये था नाटक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। लोग राजा हरिश्चंद्र जैसे क्यों नहीं होते? लोग सत्य क्यों नहीं बोलते? डरे न सत्य विचार, डरे न सत्य विचार, डरे न सत्य विचार, डरे न सत्य विचार। ये नाटक देखने के बाद बापू 10 दिनों तक रोते रहे। वे कहते थे, मैं जब भी इस नाटक को पढ़ता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। बापू, आपके जीवन में और ऐसी कैसी घटनाएं थी जिनका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था? मैं तो श्रवण कुमार से भी बहुत प्रभावित हुआ था। उनकी अपने माता पिता के प्रति निष्ठा देखकर मैं बहुत बहुत भावुक होता था। लेकिन एक सुख दीक्षण भी था, एक और घटना थी, बता दे। अरे रे 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 रे, बापू तो शर्मा गए। बापू का 13 वर्षीय आयु में बाल विवाह हुआ था। तो चलिए चलते हैं उनके विवाह आयोजन में। जब मैंने पहली बार चोरी की। क्या? बापू और चोरी, बापू और चोरी, बापू और चोरी, बापू और चोरी। शांत शांत। हाँ, मैंने चोरी की और इसका प्रायश्चित भी किया और सदा सत्य के मार्ग पर चला। बापू ने तो प्रायश्चित भी किया, लेकिन आज हम प्रायश्चित नहीं करते। अरे करोड़ों खा जाते हैं और टकार भी नहीं लेते, और घोटाले पे घोटाले करते हैं। पूंजी घोटाला, पूंजी घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, कोयला घोटाला, और तो और 5,000 करोड़ का घोटाला। 5,000 करोड़ का घोटाला, घोटाला भाई 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 घोटाला। बापू के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, लेकिन उन्हें उनकी ही जाति से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वे 7 समंदर पार जाना चाहते थे। तमाम विरोधों के बावजूद भी वे रुके नहीं, वे वकालत की पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका गए। तो चलिए चलते हैं साउथ अफ्रीका।